गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रोमन नंबर, डेसिमल नंबर, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। आज हम लोग इसी में डेसिमल नंबर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है दशमलव भिन्न का विस्तारित रूप, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अगर हमारा कोई भी नंबर दिया हुआ है डेसिमल में तो उसको हम लोग किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो दशमलव संख्या अगर हमारी कोई दी हुई है तो उसका स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसका प्लेस वैल्यू यानी कि अंकित मान, सॉरी उसका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू अंकित मान वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो प्लेस वैल्यू है स्थानीय मान उसमें थोड़ा चेंजेस आता है। अगर दशमलव कोई संख्या है, सपोज 1.23.26 है, तो उसमें जो उसकी जो स्थानीय मान होगी प्लेस वैल्यू, वो हम लोग कैसे राइट करेंगे तो हम लोग देखेंगे। पहले पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि दशमलव भिन्न का विस्तारित रूप। नाउ क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 8.756 को विस्तारित रूप में लिखो, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग पढ़े हैं क्लास में, छोटी क्लासेस में, तो हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे। देखिए 8.756, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वंश होता है यानी इकाई होती है उस नंबर्स को पहले लिखते हैं 6, फिर 0.0 प्लस, फिर क्या होता है हमारा 5.0 प्लस 7.0 प्लस 8, ओके। तो ये है हमारा 8.756 का एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसको कह रहा है दशमलव भिन्न के रूप में लिखो। अब दशमलव भिन्न के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने निकाला है 8 प्लस 0.7 प्लस 0.05 प्लस 0.006। तो अब इसको दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है, तो ये जो दशमलव वाले इसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7/10 प्लस ये कितने, इसमें कितने ये पॉइंट हटेगा तो कितने 2 जीरो बढ़ेंगे, तो यानी कि ये 100 प्लेस पे है। यहां से हम लोग देख सकते हैं 1 stands 100, तो उसमें इतना ही आ जाएगा। नाउ यहां पर हमारा दशमलव हटेगा, ओके, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 5/100 प्लस यहां पर हमारा 1, 2, 3 यानी 1000, तो 6/1000, तो ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म दशमलव में अगर कोई संख्या दी है हमारी, है ना। अगर हमारी कोई दशमलव में संख्या दी हुई है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लोग इस तरीके से राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी में। जैसे क्वेश्चन दिया है 6.01 को विस्तारित रूप में लिखो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 6.01 हमने क्या कहा था कि हम लोग वंश वाले से स्टार्ट करते हैं दशमलव के राइट हैंड साइड से, तो 1.0 जितने भी थे हमारे आगे नंबर 0 हो गए, फिर ये 0.0 प्लस 6, ओके, ये हो गया हमारा इसका फॉर्म एक्सपेंडेड। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे इसका एक्सपेंडेड दशमलव भिन्न वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 6 तो हमारा एज इट इज रहेगा एंड 0.01, तो ये 0.01 है। अब इसका तो कोई मीन नहीं होगा क्योंकि 0.0 को अगर हम लोग लिखेंगे तब भी कोई मीन नहीं होगा, 0 है डिवाइड करने पर 0 हो जाएगा। अगर हमें लिखना भी है तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई मीन नहीं है, ये 0 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 जीरो आ जाएंगे 1, ओके। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 6 प्लस 1/100, ओके। तो ये है हमारा, इस तरीके से ये क्वेश्चन आए हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना हम सभी को। राइट कर लीजिए आप लोग। नाउ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
एक क्वेश्चन इस तरीके से है, 30 + 4 + 3 दसवां, यानी कि ये क्या हो गया, 10s और ये 800, यानी कि ये प्लेस की बात कर रहा है यहां पर। ओके, अब ये कह रहा है इसका दशमलव भिन्न में बदलो। ओके, यानी कि हमको इसका दशमलव रूप भी लिखना है और भिन्न रूप भी लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 30 + 4 + 3 दसवां यानी कि 10s हो गया, एंड +8 सौवां यानी कि 100। ओके, सो अब हम लोग जब करेंगे तो 30 + 4 ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस थर्ड दसवां कह रहा है, 10th कह रहा है, तो कितना आ जाएगा, 3/10 प्लस 800 कह रहा है, तो 8/100। ओके, अब अगर हम लोग इसका दशमलव रूप लिखें, ये तो हमारा हो गया भिन्न रूप, ठीक है। अब हम लोग अगर इसका दशमलव रूप लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा दशमलव रूप, 30 + 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 0.3 प्लस 0.08। अब इसको जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 + 0.038, तो 0.38। और जब इसको टोटल कर देंगे तो हो जाएगा 34.38। दिस इज द आंसर। नाउ डन, ये इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन था, हम लोगों ने जिसको कंप्लीट किया है। मीन्स एक उसका टाइप था पूछने का कि वो इस तरीके से ही पूछ सकता है, दसवां करके या टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड करके राइट कर सकता है आगे नंबर, और फिर कह सकता है उसका फ्रैक्शन फॉर्म और उसका डेसिमल फॉर्म आप राइट करिए। तो हमको इस तरीके से करना होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है दशमलव संख्या में उपयोग आने वाले अंकों का स्थानीय मान। इसमें क्या करेंगे, जो उसमें दशमलव में अंक यूज हो रहे हैं उनका स्थानीय मान क्या होगा, हम लोग किस तरीके से राइट करेंगे। देखिए, दशमलव संख्या में उपयोग आने वाले अंकों का स्थानीय मान। ओके, अब जैसे हम लोग एक संख्या ले लेते हैं, उसी से हम लोग समझेंगे, 123.26 123.26। तो अब ये क्या कह रहा है, यहां पर हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये जो दशमलव, ये जो बिंदी है, इसके बाद हमारा दशमलव, ये दशमलव के बाद के अंक हैं, इनको क्या कर दिया गया है, इकाई से अलग कर दिया गया है, ठीक है। यानी वंश जो इसका प्लेस था उससे उसको अलग कर दिया गया है। हमें यह रखना, ध्यान रखना है कि दाएं और बाएं एक जैसे हैं, परंतु दशमलव के बेसिस पे इनकी जो वैल्यूज होंगी वो चेंज होंगी, ठीक है। जैसे 3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा इकाई यानी कि वंश। ओके, सॉरी, वंश। एंड 2 क्या हो जाएगा, दहाई यानी कि टेंस। एंड 2 था हमारा, अब ये 1 क्या हो जाएगा, 100। ओके, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 20 + 3 तो ये तो 123 आ गया हमारा। अब ये जो हमारे 2 प्लेसेस बचे थे, 2 और 6, दो नंबर्स हमारे रह गए हैं, तो अब हम लोग 2 और 6 का स्थानीय मान क्या लिखेंगे। देखिए, 2 और 6 का हम स्थानीय मान लिखेंगे, जो 2 का मान होगा, 2 का मान होगा वो हो जाएगा 2/10, एंड जो 6 का मान होगा, 6 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारी 6/100। ओके, तो जब हम इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/10 + 6/100। ओके, 6/100, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.20। ओके, एंड प्लस 0.06, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.26। अब ये 0.26 देखिए आ गया हमारा प्लेस, यही
तो हम लोग इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 123.26 मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा होगा। ओके तो जितने प्लेसेस पे होगा, जैसे ये दो था तो टू हमारा, तो उसको अपॉन 100 कर देंगे, या मीन्स यहाँ पर सेकेंड पोजिशन पे था तो अपॉन 10 हो गया। और अगर ये था हमारा दशमलव से, तो हम लोग इधर से क्या करते हैं, हम लोग दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड साइड चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो उसमें देखते हैं उसका कितना। जैसे ये टेंस का पार्ट था तो इसमें टेंस हो गया, इसमें 100 का था तो इसमें 100 भाग था, तो ये 1/100 हो जाएगा, है ना। तो यही कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर हम लोगों को किस तरीके से इनके स्थानीय मान को राइट करना है। ओके हम लोग ऐड करने पर देखते हैं हमको वही संख्या मिल जाती है, इसका मतलब जो हमने राइट फाइंड किया है वो सही है। तो ये था हमारा दशमलव संख्या में उपयोग आने वाले नंबर्स का स्थानीय मान। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमारा ये जो डेसिमल वाला था पोर्शन वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल तथा आयतन हम लोग ये स्टार्ट करेंगे टॉपिक। तो एरिया में हम लोगों को किन किन आकृतियों का एरिया पढ़ना है ये हमारे में दिया हुआ है सिलेबस में, एंड किन चीजों का वॉल्यूम हमको डिस्कस करना है ये भी हमको दिया गया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल, जो हमारी आकृतियां दी हुई हैं, इसमें सबसे पहला है हमारा त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, ट्रायंगल त्रिभुज। सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो एक समतल में, किसी भी समतल में तीन भुजाओं से बंद आकृति हमारी क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। सिंपली हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है, किसी समतल में इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, तीन भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ओके देखिए कह रहा है किसी समतल में तीन भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, और इससे रिलेटेड त्रिभुज के हम लोग अभी प्रकार पढ़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें उसके एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका जो इक्विलेटरल है हमारा ट्रायंगल तो उसका कैसे फाइंड होगा, और अगर आइसो स्केल से स्केलन है, तो इन सब चीजों पे हम लोग जो विभिन्न पॉइंट है उन पर डिस्कस करेंगे, उनमें किस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रायंगल, तो हमने डेफिनेशन देखी, किसी समतल में तीन भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में हो जाएगा इन अ प्लेन अ क्लोज फिगर विथ थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ओके मीन्स इन अ प्लेन अ क्लोज फिगर विथ थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। फिगर से हम लोग समझते हैं, ये हमारा फिगर दिया हुआ है, ए बी सी ये इसके एंगल हैं। नाउ अब इसमें साइड्स क्या हो जाएंगी ट्रायंगल में, साइड्स माने भुजाएं, भुजाएं हो गई ए बी बी सी एंड सी ए। तो देखिए ए बी बी सी और सी ए तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति है, है ना, तो ये क्या कहलाएगी हमारी त्रिभुज कहलाएगी, ए बी भुजा एक, एक बी सी भुजा और एक सी ए भुजा है। नाउ एंगल की बात हो रही है, कोण एंगल ए एंगल बी एंगल सी, एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, शीर्ष वर्टेक्स की बात हो रही है, तीन है ए बी सी, है ना। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था थ्योरी पोर्शन, जो हमारा त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में कितनी साइड्स होती है, कितने एंगल होते हैं। हम लोग बात करते हैं त्रिभुज के परिमाप की, त्रिभुज का परिमाप क्या कहता है, परिमाप की बेसिकली डेफिनेशन होती है कि सम ऑफ द ऑल साइड्स, और त्रिभुज अगर परिमाप की बात हो गई यहां पर तो क्या होगा, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की
तीनों भुजाओं का योग उस त्रिभुज की उस त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। उस त्रिभुज का क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। नाउ इन द ट्रायंगल एबीसी एबी बराबर सॉरी एबी प्लस बीसी प्लस सीए, यानी कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप एबी प्लस बीसी प्लस सीए। ओके, तो ये है हमारा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का, कि हमारी तीनों भुजाओं का योग अगर हम कर देते हैं तो हमें त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे त्रिभुजों के प्रकार। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल। जैसे पहला है भुजाओं के आधार पर, एंड कोणों के आधार पर। तो अब इसमें यह देखना है कि ये जो है हमारा कि टू बेसिस पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं उनके प्रकारों को। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाएं। ओके, एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ओके, नाउ अब इनको भी हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं इनके। जैसे भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं? भुजाओं के आधार पर हमारे थ्री टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल, एंड विषमबाहु। स्केलन ट्रायंगल। तो ये हमारे तीन ट्रायंगल हो गए किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स थ्री टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहला हमारा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसे कहते हैं इंग्लिश में। सेकंड है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल। एंड थर्ड इज सेकंड हमारा समद्विबाहु यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल। एंड थर्ड इज विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्रायंगल। तो ये तीन हमारे किसके बेसिस पे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं के आधार पर ये तीन ट्रायंगल हमारे होते हैं। इन भुजाओं के आधार पर हम लोग इन तीन ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? कोणों के आधार पर भी ट्रायंगल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहते हैं राइट एंगल। नाउ सेकंड होता है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। एंड थर्ड इज न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल। तो ये हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज यानी कि ये हमारा कौन सा होता है? 90 डिग्री। ओके, अधिक कोण क्या होता है? ग्रेटर मोर देन 90 डिग्री। एंड जो न्यून कोण होता है वो होता है लेस देन 90 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट है
किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि कोणों के आधार पर ट्रायंगल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा समकोण त्रिभुज, दूसरा हमारा ऑब्ट्यूस यानी कि 90 डिग्री एंगल अधिक कोण त्रिभुज, एंड थर्ड इज न्यून कोण एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हमारा है भुजाओं के आधार पर, फर्स्ट आएगा इसमें समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज, इसके नाम से ही सम माने समान और बाहु माने भुजा, सम माने क्या हो गया समान एंड बाहु माने भुजा, यानी कि जिसकी भुजाएं क्या हो समान हो। कहने का क्या मतलब है कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मींस अगर हमारा कोई ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है ए बी एंड सी, ए बी सी, तो उसमें ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ हमारी बराबर होगी। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ओके, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? हम लोग एरिया की बात कर रहे थे यहां पर कि एरिया कैसे फाइंड करा जाता है, एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का नाम ही है, तो यहां पर एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला इसमें फॉर्मूला आएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा मीन साइड, जो भी हमारी साइड्स हैं उसका स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा 3a, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जब तीनों बराबर है तो 3a, भुजा को 3 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे हमको मिल जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 3/2 इंटू ए, जहां ए बराबर क्या है भुजा है, जहां ए बराबर क्या है भुजा। ओके, तो ये हमारा क्या था समबाहु त्रिभुज। हम लोगों ने क्या देखा समबाहु त्रिभुज को देखा, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल को, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, यानी कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल दैट हैज ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ओके, मींस भुजाएं क्या होती हैं? वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एंड द पेरीमीटर ऑफ द समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा 3 इंटू ए, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो ये कितनी होती है? ये होती है अंडर रूट 3/2 इंटू ए। तो ये था हमारा समबाहु त्रिभुज। इसी तरीके से हम लोग और त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें हम लोग डेफिनेशन देखेंगे पहले समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। देखिए यही इसी से हम लोग समझेंगे, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, मतलब दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो वह त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं
समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का हाफ आधार गुणे ऊंचाई, क्या हो जाएगा, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। अब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें है दो समान भुजाओं की लंबाई प्लस एक समान भुजा की लंबाई, कहने का मतलब है परिमाप P इज इक्वल टू 2a प्लस b, मतलब जो हमारी दो समान भुजाएं दी होंगी उसका हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो सिंगल हमारी एक बची होगी उसको ऐसे प्लस कर देंगे। मीन्स वही हो गया कि तीनों भुजाओं को हमको ऐड ही करना होगा, जैसे उसमें हमने 3a कर दिया था लेकिन वहां यहां पर 3a नहीं कर सकते हैं, यहां पर 3a कर देंगे गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि दो के सेम है और एक अलग है, तो इसलिए इस दो वाले सेम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो डिफरेंट होगा उसको हम लोग बी से राइट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे हम लोग इसमें देख लेते हैं कि अब इसमें क्या है, हमारी ये जो भुजा है ये इसके बराबर है लेकिन ये इस बराबर नहीं है, तो यहां पर ए बी सी, तो ए बी बराबर ए सी हो गया, ठीक है, दो भुजाएं समान हो गई। थर्ड हमारा हो जाएगा विषम बाहु यानी कि स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु यानी कि स्केलन ट्रायंगल। अब विषम बाहु मतलब, विषम मतलब समान ना होना और बाहु मतलब भुजाएं, ओके, मींस ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान नहीं है वो क्या हो जाएगा, हमारा विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मीन्स क्या हो गया, यहां पर विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं, यानी कि तीनों भुजाओं की जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी, ओके। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं, देखिए विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो एरिया हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, देखिए एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं हाफ आधार गुणे ऊंचाई से भी, ठीक है, अगर उसमें दिया हुआ है, और नहीं तो हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, हम लोग ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ओके, एंड नाउ जहां पर एस क्या है, एस इज इक्वल टू अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ओके। तो एस की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, जहां ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारी साइड्स हैं, ओके, और एस हमारा अर्ध परिमाप है, यही स्मॉल एस, कहीं कहीं स्मॉल एस से ये स्मॉल ही एस है, एक्चुअली में छोटा जो होता है उसको एस तरीके से छोटा बना के लिखा जाता है यहां पर, तो स्मॉल एस है। तो ये अब परिमाप हम लोग जानते हैं किस तरीके से फाइंड करते हैं, परिमाप P इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो यानी कि हमारा एरिया फॉर्म करने का ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने इससे यूज भी किया है, तो इसको सावधानी से इसमें यूज करना होता है, कहीं कहीं गलती भी होने के चांसेस रहते हैं लेकिन हमको सावधानी से इसको हम लोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब
ये देखना है कि ये इसमें सबसे पहले हम लोग अगर एरिया फाइंड करना है तो हमारी तीनों भुजाएं दी होंगी, जिसको हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट का जो फॉर्मूला है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसके साथ हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एस को फाइंड करना होगा। एस की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे मीन्स अर्ध परिमाप फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर। अब एस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तीनों भुजाओं का योग बटे दो। ओके ये हमारा पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला है। जो भी एस की वैल्यू आएगी उसको फिर क्या करेंगे हम लोग, भुजाओं के साथ माइनस करेंगे। सपोज यहाँ 170 आया, 170 में से भुजा थी हमारी 10, तो 10 माइनस हो गया, फिर हमारी 20 थी तो 20 माइनस हो गया, फिर 30 थी तो 30 माइनस हो गया, और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने के पश्चात उसमें कुछ पेयर्स बनेंगे, उसके बिहाव पे हम लोग वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये था हमारा भुजाओं के आधार पर, जो हमारे भुजाओं के आधार पर हमारा जो ट्रायंगल का डिवीजन था, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है, समबाहु त्रिभुज, द्विसमद्विबाहु बाहु और विषमबाहु। ओके सो आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो कोणों के आधार पर यहाँ जो हमारे एंगल है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कोणों के आधार पर जो हमारे ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, एंगल के बेस पे जो ट्रायंगल होते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। जो हमारे आज हम लोगों ने भुजाओं के आधार पर पढ़ा है, पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, देन इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके थैंक यू क्लास।